ये मानती कि वो कह रहे हैं कि सोच समझ के टारगेट करके, क्यों मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है गे। मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं। तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें, सारे न्यूज चैनल करो कार्रवाई। सचिन मीणा को लप्पू झिंगुर कहने को लेकर दोनों पक्षों के वकील आमने सामने आ गए हैं। सीमा हैदर और सचिन की तरफ से वकील एपी सिंह हैं, जिन्होंने अवमानना का नोटिस देने की बात कही थी। तो दूसरी तरफ पड़ोसन भाभी मिथिलेश भाटी के समर्थन में 5 वकीलों की टीम है। इस टीम का कहना है कि लप्पू और झिंगुर जैसे शब्द अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं। मिथिलेश भाटी के वकील रजनीश यादव ने कहा कि अभी हमें कोई नोटिस एपी सिंह की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई नोटिस मिलेगा तो 24 घंटे में हम उसका जवाब जरूर देंगे। वहीं एपी सिंह ने इन महिलाओं को लेकर जो बोला है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। वकील रजनीश यादव ने कहा कि हमने इस पूरे मामले को समझा है और आज हमने सचिन मीणा की पड़ोसन मिथिलेश भाटी से मुलाकात भी की है, उन्होंने सारी बातें खुलकर बताई हैं। अब नोएडा जिला कोर्ट से 5 वकीलों की टीम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बहरहाल मिथिलेश इस बारे में क्या कुछ कह रही है सुनिए। ना तो मैं ये मानती कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है कहीं भी, ना मैं ये मानती कि क्या कह रहे हो बॉडी शेविंग जो भी है हाँ वो करो, ना मैं ये मानती कि वो कह रहे हैं कि सोच समझ के टारगेट करके, क्यों मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है गे। मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं। तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें, सारे न्यूज चैनल करो कार्रवाई। तो सुना आपने किस तरीके से मिथिलेश ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट में अगर ये मामला चलता है तो वहां पर देखेंगे कि नोटिस मिलने के बाद क्या कुछ होता है। बहरहाल इस बड़े मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।